सम्राट अशोक आप लोग जानते होंगे, सम्राट किंग अशोक सभी लोगों को भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद भंतेलों को पूरा फैसिलिटीज बना दिया, इतना फैसिलिटीज बना दिया राजा का डॉक्टर्स लोग भंतेलों को सेवा करने के लिए जाता है। तो बाकी धर्म का लोगों ने सोचा हम लोग भी चीवर पहन लिया तो हम लोग को भी फायदा है, इसीलिए हम लोग भी चीवर पहनेंगे। बाकी धर्म के लोग भी चीवर पहन लिया। अभी कौन कौन ने असली बनते लोग है और डुप्लीकेट बनते लोग है। असली बनते लोगों को है, आप लोग के पास पंचशील है ना, बनते लोग के पास से 227 सील है, वो 15 दिन में एक बार उसको चांटिंग करना है। नकली बनते लोग के पास कम से कम पंच सील भी नहीं है, उन लोग कुछ जानता भी नहीं है। उन लोग का आने के बाद असली बनते लोगों को वो उसको प्रातिमोक्ष देशना कहता है, वो करना मुश्किल हो गया क्योंकि इन लोग कुछ जानता नहीं है, अपवित्र हैं, ब्रह्मचारी नहीं है, तो बनते लोग नहीं किया। सम्राट अशोक पूछा मंत्री लोग से, इन लोग क्यों नहीं करता है उपोषण 15 दिन में एक बार, बताओ राजा का आज्ञा है करवाने के लिए बताओ। मंत्री लोगों ने क्या किया, जा करके पूरा मारने लगा बनते लोगों को। सम्राट अशोक मारने के लिए नहीं कहा, मंत्री लोग जा करके तलवार से मारने लगा। इसके बाद सम्राट अशोक सुना बहुत दुख हो गया। अरहंत बनते लोगों को मोगली पुत्र तीस बनते जी इत्यादि अरहंत बनते लोग को बुला के बताया, बनते जी क्या कारण है, महाराज बुद्ध शासन में दूसरा धर्म के लोग घुस गया चीवर पहन के, अभी बहुत मुश्किल। इसके बाद ठीक है हम पवित्र करके दे देंगे। ऐसे करके सारे बनते लोग को बुलाया, बुला के भगवान बुद्ध के बारे में प्रश्न पूछा, उस पे सिर्फ जवाब दे सकते असली बनते लोग को, अलग कर दिया। नकली लोग निकल गया 60,000 लोग। उन लोगों को सम्राट अशोक ने क्या किया, वापस इन लोग आ सकता है, इन लोगों को पीठ में चमड़ी छिला के चिन्ह बना दिया, फिर आगे तो पकड़ सकता है, ऐसे करके उन लोग को भगा दिया। वो 60,000 के लोग गया उत्तर साइड में हिमालय तरफ जाकर अपना एक कमिटी बनाया। कमिटी बना के उन लोग अपना एक अलग पूजा पाठ, उन लोग बुद्ध मानता है, भगवान बुद्ध को मानता है लेकिन बाकी कुछ नहीं मानता है। हम लोग भी भगवान बुद्ध को मानते हैं, ऐसे करके उन लोग अलग एक सोसाइटी बनाया। इधर अरहंत बनते लोग चुपचाप अपना ध्यान साधना करके जीवन बिताया। सम्राट अशोक के समय के बाद इसके बाद हर्षवर्धन वगैरह राजाओं आ गया। फिर 150-200 साल ऐसे शासन अच्छे से चल गया। फिर श्रीलंका में बुद्धिज्म चल गया। इसके बाद जो ऊपर भगा दिया ना, उन लोग पावर हो गया, बहुत बलवान हो गया, उन लोग पूरा इंडिया में फैल गया जगह जगह पे। उन लोग बनते लोग जैसा नहीं, कोई कोई घर में दुख आ गया तो जा करके क्या दुख है, हम लोग मदद करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। कोई मर गया तो तुरंत जाके रोता है, आदमी लोग का मन जीत लिया। इसके बाद राजा के पास जाकर, महाराज आपका क्या कल्याण करना है, राजा का मन भी जीत लिया। उस समय सम्राट सब खत्म। इसके बाद क्या हुआ, आदमी लोग असली बनते लोग को डांट दिया, ये तुम लोग के एकदम नीचे देख करके गांव में आता है भोजन लेके खाता है फिर जंगल में जाके ध्यान करते है, एकदम बेकार। देखो इन लोग हमारा घर घर आकर के सुख भी वो पूछता है, दुख पूछता है, ऐसे करके डांटने लगा असली बनते लोग को। फिर वो उन लोग भी इन लोग को दुख देने लगा। फिर असली बनते लोग धीरे 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 लाभ सत्कार मानता नहीं है, जंगल 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 जाकर वैसा 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 ऐसा खत्म हो गया, हट गया। फिर इंडिया में सबसे पावर हो गया उन लोग। उन लोगों ने एक बना दिया, हम लोग बुद्ध बनने वाले हैं, इन लोग अरहंत बनने वाले, इन लोग नीच है, इन लोग नीच गाड़ी है, इसीलिए लोग ही नया, हम लोग कैसा नहीं, हम लोग बड़ा गाड़ी है,
हम लोग सीधा बुद्ध बनने वाले, हम लोग कौन है? महायान, वो है शुरुआत। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, पूरा भगवान बुद्ध ने एक चीज मना किया, डिबेट करना मना किया, डिबेट वाद विवाद करना मना किया। और भगवान बुद्ध सीधा मना किया, एक बंती जी आके पूछा भगवान बुद्ध जी हम लोग संस्कृत भाषा में आपका उपदेश ट्रांसलेट करेंगे। भगवान बुद्ध सीधा मना किया, संस्कृत भाषा में कभी ट्रांसलेट मत करना। ये महायान लोगों ने क्या किया, उपदेश संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके पूरा डिबेट करने लगा ब्राह्मण लोगों के साथ, पूरा डिबेट करने लगा। डिबेट करते करते उन लोगों को हराता है, अंत में पूरा उन लोग ब्राह्मण लोग हारने के बाद ब्राह्मण लोग अपना नौकर को बना दिया, नौकर बना दिया। उसके लिए उन लोग एक यूनिवर्सिटी शुरू किया, उस यूनिवर्सिटी बिहार में है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी में तंत्रयान वज्रयान इत्यादि सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, तंत्र मंत्र सब महायान लोगों ने शुरू किया। इसके बाद अभी ब्राह्मणों को बहुत गुस्सा, क्यों इन लोग बहुत कष्ट देता है, डिबेट करता है, परेशान करता है। अंत में ब्राह्मण लोग भी प्लान बना दिया, उन लोग ब्राह्मण लोग भी असुर का पावर लेकर के पूरा महायान लोगों को खत्म कर दिया। महायान लोग को सिर्फ खत्म नहीं किया, सारे महायान लोग का नाम से सारे बुद्धिज्म को, सारे बुद्धिस्ट प्लेसेस को, सब कुछ को खत्म कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, सब खत्म कर दिया। ऐसे करके उन लोग अंत में सारे जगह का पावर में आ गया ब्राह्मण लोग। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, सारे बुद्धिज्म का सब कुछ अपना अपना जगह पे डाल दिया। आप लोग जानते ओमकार कहाँ पे है, ओमकार महायान में है शुरुआत। अभी ओमकार कहाँ पे मानता है, हिंदू सम में। अभी आप लोग अभी महायान किताब स्टडी करिए, ओम ओमकार है। देवी वंदना स्त्रियों के लिए ब्राह्मण लोग बहुत घृणा किया है निरंतर, वेद में स्त्री लोग नीच बना दिया। तो इस लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा ये पूजा कहाँ से आया, महायान लोगों ने देवी वंदना शुरू किया, तारा वंदना। उस देवी वंदना से लेकर के आ गया पार्वती वंदना, लक्ष्मी वंदना इत्यादि। देव वंदना हिंद में ब्राह्मण लोगों के पास नहीं था, महायान लोगों ने देव वंदना शुरू किया, वो ब्राह्मण लोग ले लिया। फिर महायान लोग ब्राह्मण तरह मंत्र नहीं था, महायान ट्रेडिशनल में मंत्र है, मंत्रयान। तंत्र अभी तंत्र मंत्र कहाँ पे है, हिंदू धर्म में है ना, ले लिया। तो हमारे गुरु बंती जी ने बहुत समय तक, हमारे गुरु जी इंडिया में रिसर्च किया, इंडिया के बुद्धिज्म को क्या हो गया है, बहुत समय तक हिमालय में जाके किताब लेके स्टडी करके, उनका ज्ञान तो विस्मित है, शायद आप लोग को आज दर्शन कर पाएंगे, आश्चर्य ज्ञान उनके पास है, उन्होंने तुरंत सब कुछ पकड़ सकता है। इसलिए तो अभी हमारे श्रीलंका में पूरा दुनिया में हर जगह मंदिर है, एक भी मंदिर में कोई भी दिक्कत नहीं है, जो मंदिर में आते लोग शांति पा के जाता है, इतना पावर उनके पास है, इतना प्लानिंग दिमाग। तो उन्होंने बताया महायान और हिंदू धर्म का सिर्फ एक चीज से अलग होता है, हिंदू धर्म में आत्मा मानता है, महायान में अनात्मा मानता है, बाकी सब सेम है। महायान के चलते इंडिया में शुरू हो गया युद्ध। अगर भगवान बुद्ध ने कहा सभी लोगों को मैत्री करना है, दया करना है, अनुकंपा करना है, ऐसा करके आ गया, तो अभी तक ब्राह्मण लोग भी भगवान बुद्ध के रास्ता पे। अभी आप लोग जानते होंगे बोधगया में बम ब्लास्ट कर दिया, हमारे गुरुजी ने बताया
ब्राह्मण प्लानिंग, क्योंकि बहुत सारे हजारों हजार हिंदू लोग बोधगया मंदिर को दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रसन्न हो गया, बहुत लोग नमन करने लगा। इसके बाद तुरंत उन लोग जगतनाथ मंदिर बना दिया सीधा मेन टेंपल के सामने। सरकार कुछ मना नहीं किया, क्यों? सरकार भी हिंदू है। इसके बाद सुबह रात जोर से भजन बजाता है, मंदिर को प्रॉब्लम परेशान। इसके बाद अभी वो एक हिंदू लोगों को थोड़ा, बहुत बुद्धिस्ट लोगों को थोड़ा, एक है ना मेन टेंपल का कमिटी, वो थोड़ा बुद्धिस्ट लोगों के पक्ष में आने वाला था। तुरंत लोग नाराज हो गए, उड़ा दिया। अभी कोई नहीं जाता है मंदिर, डर डरते डरते। अभी तक नफरत थी, क्यों? उस समय भगवान बुद्ध ने जो मना किया वो करने से, डिबेट करना हमेशा मना किया है, वाद विवाद करना हमेशा मना किया। जैन धर्म था भगवान बुद्ध के समय में। जैन महावीर मारने के बाद जैन धर्म का सभी लोग टुकड़ा 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 हो गया। क्यों? वाद डिबेट करने लगा। अरहंत सारिपुत्त भंते जी बताया, आप लोग कभी भी वाद विवाद नहीं करना बौद्ध धर्म लेके। डिबेट करेगा तो दूसरों को हराने के लिए, खत्म हो जाएगा। ये धर्म सीखना चाहिए राग देश मोह का खत्म के लिए, हराने जीतने के लिए नहीं। वो है महायान, वो है थेरवाद। इसीलिए हम लोग हिंदू लोग को डांटने का कोई मतलब नहीं है, महायान लोग को भी डांटने का कोई मतलब नहीं है। सबको मैत्री करना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरों का दोष देख के गया तो अंत में हम लोग का दोष निकल जाता है।